देश भर में फंसे मजदूरों को घर भेजने के लिए भी रेल किराए की वसूली को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने केंद्र और राज्य सरकारों को घेरा है। साथ ही उन्होंने मजदूरों की मदद के लिए भी हाथ बढ़ाया है। मायावती ने साफ साफ कह दिया कि अगर केंद्र या राज्य सरकारें मजदूरों का किराया नहीं भर सकती तो बता दें, बीएसपी मजदूरों का किराया भरने के लिए तैयार है। मायावती ने ट्विटर पर लिखा, यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र व राज्य सरकारें प्रवासी मजदूरों को ट्रेनों व बसों आदि से भेजने के लिए उनसे किराया भी वसूल रही हैं। सभी सरकारें यह स्पष्ट करें कि वे उन्हें भेजने के लिए किराया नहीं दे पाएंगी। बीएसपी की यह मांग है। ऐसी स्थिति में बीएसपी का यह भी कहना है, यदि सरकारें प्रवासी मजदूरों का किराया देने में आनाकानी करती है तो फिर बीएसपी अपने सामर्थ्यवान लोगों से मदद लेकर उनके भेजने की व्यवस्था करने में अपना थोड़ा योगदान जरूर करेगी। मायावती ने एक तरफ तो केंद्र और राज्य सरकारों को इस महामारी के वक्त भी अपनी जेब भरने पर लताड़ा तो दूसरी तरफ खुद मदद की पेशकश कर एक नजीर भी पेश की। सरकार की नाकामियों पर आलोचना करने वाला विपक्ष अगर खुद भी इस तरह की मदद करने लगे तो इससे सरकार पर भी दबाव पड़ेगा। वैसे मायावती और उनकी पार्टी के सांसद और विधायक पहले भी राहत कोष में करोड़ों की राशि दान कर चुके हैं। बीएसपी के कई सांसदों और विधायकों ने अपनी सैलरी से लेकर एमपी और एमएलए फंड से भी करोड़ों रुपए सरकार को दिए हैं ताकि इस महामारी से लड़ा जा सके। लेकिन सरकार को इतना पैसा मिलने के बाद भी गरीब मजदूरों से ट्रेन टिकट का पैसा लिया जा रहा है। विदेशों में फंसे भारतीयों को प्लेन से लाने वाली सरकार गरीबों को ट्रेन से भी घर नहीं पहुँचा रही। अभी केरला कोड़ीकोड डिस्ट्रिक्ट से आ रहा हूँ, वहाँ का प्रशासन के बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जी जी बताइए। मैं अपना फेस दिखाना चाहता हूँ। जी जी। मुझे इतना गुस्सा है, हम लोगों से जबरदस्ती पैसा लिया गया ट्रेन का भाड़ा का, और हम लोग पैसा नहीं दिए हैं। पहले जानकारी की है, जानकारी करने के बाद जब पुलिस को फोन किया कि हम लोग को टिकट का पैसा लगेगा, तो पुलिस पहले बोला कि नहीं, किसी को पैसा मत देना। फिर 10 मिनट बाद हमको फोन करके बोला कि हम पूछ के देखते हैं। पूछ के देखने के बाद बोला कि पैसा लगेगा, हम लोगों से पैसा ले लिया। कितना पैसा लिया गया? 895 रुपए पैसा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र। साथियों, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं, मासिक मेंबरशिप लेकर द शूद्र की आर्थिक मदद करें। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।